लकी प्लान की सीरीज में फिफ्थ प्लान, हर हिंदू परिवार के घर में ये होना ही चाहिए। यह है तुलसी जी का प्लांट, इंग्लिश में लोग बेसिल भी कह देते हैं। वैसे तो तुलसी जी बहुत प्रकार की आती हैं, लेकिन ये वाली हमारे सबके घर में पाई जाती हैं। तुलसी जी का प्लांट अगर आप अपने घर में लगाएंगे तो मुझको आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी ही रहेंगी। हर हिंदू तुलसी जी के प्लांट की पूजा करता ही है। हमको ध्यान क्या रखना है, मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो हमको ध्यान रखनी है कि तुलसी जी के जब फ्लावर आ जाते हैं, जिनको मंजरी भी कहते हैं, तो उनको हटा देना है, क्योंकि वो फ्लावर आने के बाद जो प्लांट है वो ख़राब होने लगता है। तो कोशिश करें कि उन फ्लावर्स को हटा दें। जहाँ से आप उन्हें कट करेंगे वहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस आ जाएंगी, उससे आपका पेड़ और घना हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है वो ये देखनी है कि तुलसी जी का जो प्लांट है वो कभी भी अकेला नहीं लगा होना चाहिए। सिंगल प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है। एक पॉट में 3-4 तुलसी जी के प्लांट लगा दीजिए, चाहे तुलसी जी के प्लांट के साथ कोई और छोटी ग्रास वाला प्लांट लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पानी होने से रूट रॉट होने का खतरा होता है। अगर दो प्लांट होंगे तो वो पानी का सिस्टम बना लेंगे आपस में। एक और चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि तुलसी जी का प्लांट हमेशा अपने घर की हाइट से ऊपर लगाएं, एक प्लेटफॉर्म बनाएं, उस प्लेटफॉर्म में प्लांट को लगाएं, ये आपके घर के लिए और ज़्यादा बेनिफिट देगा। तुलसी जी के प्लांट को नॉर्थ में लगाएं, ईस्ट में लगाएं, या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं, बेस्ट रिजल्ट के लिए। तुलसी जी के प्लांट के आस पड़ोस हमेशा सफाई को मेंटेन करें, ये तो ज़रूरी है। जब आप पूजा कर रहे हैं तुलसी जी की तो उसके आस पड़ोस सफाई मेंटेन ही होनी चाहिए। आप इंडोर भी लगा सकते हैं। फिलहाल तुलसी जी के प्लांट को काफ़ी ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो आउटडोर सबसे बढ़िया काम करता है तुलसी जी का प्लांट। तुलसी जी के प्लांट के आस पड़ोस कोई भी कैक्टस ना लगाएं, डस्टबिन ना रखें, और जूते उतारने की, शूज़ उतारने की जगह तो कतई ना बनाएं। जहाँ पे भी लगाएं आस पड़ोस काफ़ी क्लीननेस को मेंटेन करके रखें। तुलसी जी के प्लांट को कोशिश करके पॉट में ही लगाएं। ऐसे स्पेशल पॉट्स आते हैं सिरेमिक के बने हुए, अब तो प्लास्टिक में भी आने लगे हैं, इन स्पेशल पॉट्स में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। कोशिश करके ग्राउंड में ना लगाएं। तुलसी जी के प्लांट को हमेशा ऑड नंबर्स में लगाएं, जैसे कि 1, 3, 5, इसको इवन नंबर में ना लगाएं, 2, 4 ऐसे ना लगाएं। मैंने खुद इस पॉट में 3 प्लांट लगा रखे हैं, 1, 2 और 3। आप देख रहे हैं ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रखी है। ठंड में बचा के रखना है, जब ओस गिरने लगती हैं तो शेडेड एरिया में ले आइए, क्योंकि ठंड में प्लांट की हेल्थ गड़बड़ा जाती है। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही टिप्स के लिए, ऐसी वीडियोस के लिए वेट करें। थैंक यू।